उद्धार करे प्रभु, मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूँ। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु, मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है, यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला, ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव, अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं? अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है? स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य, सब कुछ निष्फल हो जाएगा? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही, और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा? नारद, नारद, तुम्हारे अचानक वहाँ से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझदार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद, इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य ये भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर, कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है, बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पर्वत,
मेरी तो हार्दिक इच्छा ये है कि वो तुमसे प्रेम करे और पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित भी हो जाए। सत्य कह रहे हो मित्र। क्या तुमने कभी नारद को असत्य भाषण करते हुए सुना है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर अपने से भी अधिक विश्वास है और मैं भी तुमसे अपने मन की बात कभी नहीं छिपाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रतिज्ञा करो, तुम भी अपने मन की बात मुझसे कभी नहीं छिपाओगे। कल हम दोनों साथ साथ गाकर राजकुमारी के सम्मुख अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में उसके हाव भाव से ये भी ज्ञात हो जाएगा कि उसका झुकाव किसकी ओर है। तुमने संगीत का ये कार्यक्रम तो आयोजित कर लिया, किंतु ये नहीं बताया कि संगीत के इस कार्यक्रम में कौन कौन सहभागी है। केवल मुनि नारद जी और पर्वत मुनि। क्या केवल दो गायक? माता, ये दोनों अति गुणी और संगीत में विशारद हैं। किंतु पुत्री, संगीत का आधार और विषय क्या है? संगीत तो अत्यंत व्यापक विषय है माता। वह धरती से आरंभ होकर आकाश तक, पूरब से आरंभ होकर पश्चिम तक अपना आधार और विषय बना ही लेता है। राजकुमारी, आप धन्य हैं। संगीत के मूल आधार का ज्ञान आपको है। संगीत की जिस व्यापकता से आपने चर्चा की है, उसका मूल आधार भक्ति ही होता है। क्षमा करें मित्र नारद, संगीत का मूल आधार भक्ति नहीं, प्रेम और सौंदर्य है। नहीं पर्वत, नहीं। भक्ति से शक्ति और शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रेमहीन भक्ति और सौंदर्यहीन शक्ति अर्थहीन होती है मित्र नारद। लगता है तुम भक्ति के अलौकिक आनंद से परिचित नहीं हो पर्वत। नंदी, प्रभु देवी पार्वती कहाँ है? स्वामी, माता पार्वती प्रतिमास के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय से मिलने गई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो गया। श्री शैल पर्वत से लौटते समय देवी पार्वती को बार बार नारद का स्मरण हो रहा होगा। देवऋषि नारद का स्मरण? हाँ, प्रथम बार जब हम कार्तिकेय से मिलने श्री शैल पर्वत गए थे तब नारद भी हमारे साथ थे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। ये सत्य है कि बार बार मुझे नारद का स्मरण हो रहा था। मैं तो ये भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात नारद अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। बार बार कैलाश की टोह लेने वाले नारद क्या हमें बिल्कुल ही भूल गए? नारद हमें नहीं भूल सकते देवी, किंतु भूल अवश्य कर सकते हैं। भूल? कैसी भूल? भूल भुलैया में फंस जाने की भूल, जिससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें मिल ही नहीं रहा है। आपकी कृपा होगी तो वो भूल भुलैया से बाहर आ ही जाएंगे। आप तो ये बताएं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अथवा नहीं। आपके वरदान के अनुसार उन्हें धर्मपत्नी की प्राप्ति हो चुकी होगी ना स्वामी? देवी, इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य मिल जाएगा।
न जाने किस दशा में होंगे नारद। प्रणाम मुनिवर, टहलना छोड़े और भोजन करें। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिष्ठान और पकवान मैंने स्वयं बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाइए और बताइए मैं पाक कला में निपुण हूँ अथवा नहीं। किंतु आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मेरे संतोष और आनंद को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर? आपको भोजन कराकर मुझे जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कल्पना नहीं की थी वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर? यदि आप इसी प्रकार संकोच करते रहे तो मैं अपने हाथों से बैठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मित्र पर्वत वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर मेरे साथ भोजन करो, है ना? बुलाओ उन्हें। मुनिवर पर्वत, आपका भोजन आपके कक्ष में पहुँच गया है। ये नारद जी का भोजन है। पर्वत नहीं, नहीं पर्वत, पर्वत। नारद, तुम दिन प्रतिदिन राजकुमारी दमयंती के प्रेम पाश में फंसते जा रहे हो। त्रिलोक में स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है? ये वरदान का फल है अथवा अभिशाप का दंड? अभिशाप का दंड। नारद, 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। पर्वत, ये ज्ञान है मुझे, आगे कहो। तुमने राजकुमारी दमयंती को पूर्ण रूप से अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारद। पर्वत, अरे कैसा प्रेम, कौन सा पाश? स्थिति का तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो। दमयंती को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो स्वयं ही प्रेम के उन्माद में अपनी सुरबुद्धि खोती जा रही है। उसे प्रेम का उन्माद है। तो क्या मैं तुम्हें उन्मादी लगता हूं? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे समीप आए। मैं तो स्वयं इस विचित्र परिस्थिति में फंसकर छटपटा रहा हूं। सावधान नारद, सावधान। तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच सच कहने की प्रतिज्ञा की है। क्या ये असत्य नहीं कि तुम दमयंती से प्रेम नहीं करते? सत्य तो ये है कि दमयंती का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी निकटता अब तुम्हें भाने लगी है। तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए। अति सुंदर, अद्भुत। मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं, तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो? मैंने क्या अनुचित किया है? तो मैंने ही क्या अनुचित किया है, बताओ मैंने क्या अनुचित किया है? जो आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? विधाता ने केवल आंखें ही नहीं, इन आंखों के पिछवाड़े एक बुद्धिस्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है। पर्वत, अपनी दुष्टता को छिपाने का प्रयत्न न करो नारद। ये तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने विधाता भगवान श्रीहरि विष्णु और जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की ये शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि दमयंती सदा के लिए मेरी हो जाए। असत्य, सर्वथा असत्य। बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो। तुमने मेरे हृदय को पीड़ित किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अपने मन की चंचलता के कारण तुम अपने आप को वानर सा सिद्ध कर चुके हो। अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा। तुम वानर मुखी बन जाओगे।
नहीं, नहीं, मैं वानर बन गया। पर्वत, मुझ निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने अनुचित कार्य ईर्ष्यावश किया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे।